Sì, mi stavo a casa, ma tu mi... मेरा नाम आंसा कंवल है। मेरे अब्बू का नाम अब्दुल हमीद है। जैक नंबर 118 आईडी पुरेवाला की रहायशी हूँ। मैं मरगू मॉडल हाई स्कूल में मैट्रिक की तलीम हासिल करती थी। जब मैंने मैट्रिक कर लिया तो मरगू मॉडल हाई स्कूल के प्रिंसिपल शाद ने मुझे कहा कि तुम हमारे स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दो। मैंने वहाँ पर पढ़ाना शुरू कर दिया और साथ ही साथ एफए की तैयारी भी शुरू कर दी। तो जो स्कूल के प्रिंसिपल थे शाह, तो वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करते थे, जिनाह करते थे। और उन्होंने मेरी वीडियो बनाई और हमारे उसका एक दोस्त हम जिसका नाम मुस्तफ़ा था, वो भी एक चक नंबर 118 ईबी का रहायशी है। वो उसने सर शाह वो उसको भी वहाँ पे बुलाते थे और दोनों मिलकर मेरे साथ ज़बरदस्ती करते थे, जिनाह करते थे और वीडियो के ज़रिए मुझे ब्लैकमेल करते थे और कहते थे घर में से जो भी पैसे मिलते हैं हमें ला कर दिया करो। मैं घर में से पैसे जो भी होते थे मैं घर से ले जाती थी, उनको दे देती थी। फिर उन्होंने मुझे मोबाइल दिया और कहा कि जिस दिन घर में कोई भी ना हो तो हमें कॉल करना, और मुस्तफ़ा ने कहा कि मैं तुमसे शादी करूँगा। हमारे घर में कोई भी नहीं था, मैंने मुस्तफ़ा को कॉल की तो इसने कहा कि हम लोग दोनों घर से भाग जाते हैं और मैं तुमसे शादी कर लूँगा। मैंने उसको वो जब मैं घर से बाहर निकली हूँ तो बाहर काले रंग की एक गाड़ी खड़ी थी जिसमें चार लोग थे, एक शाह था, एक मुस्तफ़ा था और दो नामालूम आदमी थे। और घर में जितने भी जेवर और पैसे थे वो सब मैं अपने साथ ले गई थी। मैं घर से जेवर और पैसे सब कुछ ले गई थी। हमारे गली में कोई भी नहीं था तो इन्होंने मुझे धक्का देकर गाड़ी में फेंक दिया और मेरे हाथ मुंह बांध दिए और गलियों में चक्कर वगैरह लगवाते रहे। रात को ये लोग मुझे मुस्तफ़ा के घर ले गए। मुस्तफ़ा के घर वालों ने कहा कि तुम हमारी इज्जत हो और तुम अब हमारे पास ही रहोगी। लेकिन जब रात के 12 बजे तो मुस्तफ़ा ने मुझे उठाया और कहा कि हमें लाहौर जाना है, तुम हमारे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा। लेकिन जब मैंने इनकार किया तो उसने फिर कहा कि अगर तुम नहीं जाओगी हमारे साथ तो हम तुम्हारी जो वीडियो हमने बनाई है वो नेट पे दे देंगे। हमारे उस स्टाप से एक गाड़ी जाती है सुबह को लाहौर, उस बस के लिए वो मुझे लाहौर ले गया। वहाँ जाके उसने अपने दोस्त तारिक को कॉल की, वो वहाँ पे आया और मुझे अपने फ्लाइट पे ले गया। और जो मुस्तफ़ा था वो वापस गाँव आ गया 118।